नमस्कार, सीनियर किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए फ्रूट कस्टर्ड। तो चलिए आज हम बनाते हैं बच्चों के लिए फ्रूट कस्टर्ड। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए चाहिए हमें ढेर सारा फ्रूट, चीनी, दूध और कस्टर्ड पाउडर। तो आइए अब बनाते हैं। ये हो गई हमारी सामग्री, अब हम बनाते हैं फ्रूट कस्टर्ड। उसका पैन ले लिया है मीडियम फ्लेम पे। तो मैंने इस कप से 2 कप दूध डाल दिया है, अब 3रा कप दूध डालेंगे। ये हो गया 3 कप दूध। ना 1 लीटर में 20 ml कम होगा। और घोलने के लिए भी हम कस्टर्ड पाउडर को 1/2 कप दूध ले लेंगे। जब हमारा दूध खौलने लगेगा, उबलने लगेगा, तब इसमें कस्टर्ड पाउडर घोलने के लिए ठंडा ही दूध चाहिए। रूम टेम्परेचर पे ही लेंगे, बिल्कुल चील्ड नहीं लेंगे। और हमारा गैस फ्लेम मीडियम फ्लेम पे कर रखा है। अब इसको चलाते रहेंगे इसमें अच्छे से उबाल आने तक। तक हम कस्टर्ड पाउडर को घोल लेते हैं। ये जो हमने 1/2 कप दूध रखा था उसमें हमने इससे 3 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसको अच्छे से मिला लेंगे जिससे इसमें लम्स ना पड़े। डालते समय भी मीडियम फ्लेम पे डालेंगे इसको, जिसे गांठे ना पड़े। ये देखिए हमारा अच्छे से घुल के तैयार है। हमारा दूध गर्म हो रखा है, अभी उबाल नहीं आया इसमें। जब अच्छे से उबाल आ जाएगा तब डालेंगे इसके अंदर। अब इसमें उबाल आने लगा है अच्छे से। अब हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे। अब थोड़ा इसको चलाएंगे और थोड़ा धीमी आंच, उबाल आने का धीरे धीरे उबाल आएगा तब इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल के मिलाएंगे। गैस कम कर रखा है, अब इसमें हम धीरे धीरे आराम से मिलाते रहिए और एक हाथ से चलाते रहिए इसको, ताकि इसमें कोई लम्स ना बैठे। ये देखिए कितने अच्छे से हो गए ना। अब इसको आराम से चलाइए गाढ़ा होने तक। गैस को मीडियम फ्लेम पे भी रख सकते हैं, थोड़ा सा उससे कम कर लीजिएगा ताकि फैन में नीचे ना पकड़े। ये देखिए हमारा दूध गाढ़ा होने लगा है। अगर बनाते समय आपका दूध कम या ज़्यादा हो जाए तो उसमें कस्टर्ड पाउडर और भी आप दूध में मिलाकर इसमें आराम से डाल के इसको गाढ़ा कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा गाढ़ा हो रहा है। थोड़ा सा और वेट करेंगे इसको गाढ़ा होने के लिए और चारों तरफ से इसे चलाते रहेंगे जिससे पकड़े ना फ्राई पैन में। अब इसमें हम चीनी डालते समय फ्लेम को बिल्कुल कम कर दे गैस की, और मीठा अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम फ्लेम में ही चीनी डालिएगा, नहीं तो कस्टर्ड आपका फटाफटा सा हो सकता है, ख़राब होने का डर है। और नहीं तो आप इसमें पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। कितना अच्छा गाढ़ा हो गया है। ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, रूम टेम्परेचर तक आने का वेट करेंगे, फिर इसमें सारा फ्रूट डाल के और फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रख बर्तन में पलट लेंगे।
अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारा आ गया है ये, और उसके बाद अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में, और उसके बाद हम जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें हम जो फ्रूट काट के रखे थे वो सारा फ्रूट इसमें डाल के और खाइए और इन्जॉय कीजिए। मैंने इसे वनीला फ्लेवर लिया था, इसमें और भी बहुत सारी फ्लेवर आती हैं, जिस फ्लेवर में आपका खाने का मन हो उस फ्लेवर में इसको बना सकते हैं। अगर नॉर्मल फ्लेवर में भी आता है, अगर आपको कोई फ्लेवर चाहिए तो उसमें इलायची डाल लीजिए, और बनाते समय इलायची का जो होता है अंदर का बीज उसको अच्छे से क्रश करके डाल लीजिए, उसका भी फ्लेवर आ जाता है, उसका भी फ्लेवर अच्छा लगता है खाने में। कस्टर्ड ठंडा हो गया है, अब इसमें हम फ्रूट्स डाल देंगे। आप फ्रूट्स कुछ भी डाल सकती हैं, जो आपको डालना है खाने के लिए पसंद आता हो वो सारी फ्रूट्स कस्टर्ड में डाल सकते हैं। देखिए हमारा फूड कस्टर्ड बनके तैयार हो गया, अब इन्हें बच्चों को बड़ों को ठंडा ठंडा खाइए और एंजॉय कीजिए। देखिए हमारा कस्टर्ड बनके, फ्रूट कस्टर्ड बनके तैयार हो गया है, और देखिए खाने में भी इतना यमी लग रहा है और इतना अच्छा लग रहा है, और खाइए और बच्चों को भी खिलाइए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।